दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं सांची में स्तूप पे हूं। तो जहां सबसे पहले मुझे देखने को मिला, मेरे साथ में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम संदेह डॉक्टर निगम जी हैं, तो आपको बताने का काम करेंगे। तो सर जी, जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं वो कौन सा स्थान है? ये श्रीलंका टेम्पल। श्रीलंका टेम्पल है तो श्रीलंका वालों ने बनवाया? ये श्रीलंका वालों का ही है जी। इनका उद्घाटन जो है प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किया था 1952 में। जी जी, तभी स्थापित हुआ है। हाँ, तभी स्थापित 1952 में। जी 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 जी, चलो आगे चल करके देखते हैं। तो मैं दर्शकों को दिखाने का काम करूँगा। क्या है सर जी? अच्छा, साहित्य मिलता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि छोटा सा एक संग्रहालय खुला है, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें भी मिलती हैं। और हमारे भैया बीच में जो जुड़ने वाले हैं, सर जी क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनोज। मनोज कुमार जी। सर कब से बैठते हैं आप? कब से बैठते हैं? लगभग 20 से 25 साल। अच्छा, 20 से 25 साल है। तो काफ़ी दर्शकों आते होंगे, तो फिर पुस्तकें खरीदते होंगे आप। बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो, श्रीलंका के द्वारा लोगों के द्वारा निर्मित है। बहुत अच्छा मंदिर तथागत बौद्ध का बनवाया गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी बेहतरीन फोटो लगी है स्टैचू तथागत बौद्ध की। बहुत अच्छी अच्छी फोटो भी अंदर है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या जानकारी है मंदिर के बारे में? ये मंदिर जो है श्रीलंका के प्रथम हंते बनते धम्मपाल, तो यहाँ पर आए श्रीलंका से जी। उन्होंने यहाँ खोज की, उसके बाद में उन्होंने यहाँ टेम्पल का निर्माण किया। और 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने जी, तो उन्होंने नवंबर के महीने में सेकंड संडे को, नवंबर के आखिरी संडे को इसका इनॉग्रेशन किया था जी। तब से लेकर आज तक सांची में हर साल लाखों अनुयायी यहाँ आते हैं और बहुत मेला लगता है। ये कब लगता है मेला? नवंबर का आखिरी सैटरडे और संडे। जी 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 जी, काफ़ी भीड़ हो जाए। काफ़ी भीड़, 2-4 लाख, 2-3 लाख लोग होते हैं जी। तो कम से कम 10-20 कंट्रीज के लोग आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये मंदिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? सिद्धार्थ गौतम ने जो गृह त्याग किया जी, उनका जो घोड़ा है ये चंदक है, और उनका जो सारथी है जी, वहाँ उनको छोड़ने के लिए जो है घर से बाहर गए हैं नदी के। जी जी, दूसरे लिएगा। ये क्या सीन है? जब बुद्ध जो है वहाँ जंगल में पहुँच गए जी, जब ये तपस्या कर रहे थे जी, तमाम सारी बाधाएं हैं ये उनके जो है ध्यान को भटकाने के लिए तमाम तरह तरह के जो है अपने रूप दिखा रहे हैं जी जी जी, ये उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हुआ नहीं जी। चलो आगे चलते, आगे का आगे के सीन के बारे में डॉक्टर साहब हमारे बताने वाले हैं। ये जो है यहाँ पर जब सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे उस समय बिंदुसार मिलने नहीं आया। क्या? बिंदुसार मिलने नहीं आया। अच्छा अच्छा, वहाँ से जा रहे थे जी जी। आगे चलिए, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया हाँ, तो बुद्ध जो है यहाँ से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पहुंच गए जी बिंदुसार, तो उन्होंने कहा आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अपनी जगह क्यों बैठे? एक महीने तक भगवान को बुद्ध बनने के बाद एक महीने तक अपनी जगह बैठे रहे जी। इसके बाद जब वहाँ बिंदुसार गए तो उन्होंने कहा आपको जो प्राप्त हुआ आप दुनिया को क्यों नहीं बांटते जी? तो उन्होंने कहा तो सोच लगा कि मैं सबसे पहले किसको दूँ? तो जो 6 साल पहले तपस्या की थी उसमें जो 5 लोग उनकी सेवा कर रहे थे जी, वो 5 लोगों को उन्होंने कहा कि सबसे पहले हकदार वो है। तो जब उन्होंने अपने रिद्धि बल से देखा भगवान को, तो उनको जो है सारनाथ में दिखाई दिए वो 5 जी। ये 5 लोग
पंचमग्गी भिक्षु जो है जो प्रथम धम्म देशना सारनाथ में हुई ना, ये सारनाथ में ये प्रथम धम्म देशना कर जी 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 पांच भिक्षु बैठे हुए हैं जी जी जी। इनके पांचों के नाम है, एक का नाम अस्सा जी है, एक का नाम बप है जी, एक का नाम हद्दी है, एक का नाम महानाम है, एक का नाम कॉर्डन। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर दूसरे चित्र पे आइएगा आप, ये पहले बताइए जो श्रीलंका से आए। अच्छा अच्छा, इन्हीं के द्वारा होगा सर। और नज़दीक चाहिए और नज़दीक। हाँ तो जी पहले बनते जी है तो इन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ था है, इन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ था। अच्छा अच्छा, इन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ जी। चलिए सर आगे। ये धर्मपाल जो है जी, एक्चुअली ईसाई थे। ईसाई थे, पढ़ने लिखने के बाद, बीए करने के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। जैसे राहुल सांकटचान है जी, ब्राह्मण जी, उन्होंने बाद में बीए करने के बाद उन्होंने जो है वो अपनाया बौद्ध धर्म। जो राहुल सांकटचान जो है वहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम पुराना नाम केदारनाथ समर जी, राहुल सांकटचान जी। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ के, आजमगढ़ के रहने वाले जी 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 जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आप। ये किसकी फोटो? महन, महन जो सम्राट अशोक के बच्चे और बच्ची थी, सम्राट अशोक के जो विदिशा रानी के पुत्र थे जी। वो जो ये वो है ना जो हाथ में वो बोधि वृक्ष लिए है, श्रीलंका से ले जा रहा है, यहाँ से रवाना किया गया। अच्छा 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 अच्छा, आइए और इधर। ये कौन है, इनके बारे में बता दीजिएगा। ये हाँ, ये अच्छा अच्छा अच्छा। इनके बारे में, ये टेंपल बना, ये जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए जो समय का है, जिस वजह से उद्घाटन हो गया है। अच्छा, ऐसा बताते हैं जवाहरलाल नेहरू ने उसे यहाँ पर बहुत दीक्षा दी। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बौद्ध दीक्षा भी ली। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे। ये डाकू अंगली मार जी, जो सकता है कि वो अंगली काट काट काटते थे। तो बुद्ध उस रास्ते से बुद्ध जा रहे हैं, जब पुत्र को आते हुए उसने देखा तो पुत्र को ललकारा कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसने पहले बार नहीं सुना, दूसरी बार भी नहीं सुना, तीसरी बार में वो खड़े हो गए। तो जी वो ललकारता था तो वो डर जाते थे, बुद्ध डरे नहीं। बुद्ध ने उससे सवाल किया, तू कौन है जी जी जी। तो फिर वो जैसे उससे सवाल किया तो वो डर गया, डर गया। तो उसने बताया, बताओ तुम क्या करते हो। बोले ऐसा है, मैं अभी तक 99 लोगों के अंगुलियाँ काट चुका हूँ, मेरा लक्ष्य है मैं 100 लोगों के अंगुलियों की माला बना करके पहनूंगा, 100 में आप। तो बोले एक काम करो, हमारी काट लेना, तुमने ये काटा है, पहले एक उंगली अपनी काट। तो वो काट रहा है लेकिन उससे कट नहीं रही। तो बोले ये बता, जब तेरी एक उंगली निकट रही, तुमने 100 लोगों को कितना कष्ट दिया है, इसका इससे तो जो उठाया है तुमने, किया है, पाप किया है, वो कौन उसको रहे। तो उसने कहा कि अब इसका प्रायश्चित क्या है। तब वो जो है खुद भगवान बुद्ध की शरण में चला गया और जाकर के बहुत बढ़िया। 12/9/2023 को मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ स्तूप का, एक एक चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेरे साथ जो डॉक्टर साहब निगम जी हैं, उनके द्वारा आपको पूरी फुल जानकारी दी जा रही है। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय मेरे दर्शकों के बीच दिया। और हम आपको अभी ले चलते हैं जहां बड़ा स्तूप है, उनको मैं दिखाने का काम करूंगा आपको। हमारे साथ डॉक्टर निगम जी जुड़ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन से नंबर का स्तूप है। ये फर्स्ट नंबर का स्तूप, फर्स्ट नंबर का। हाँ जी, इस स्तूप का निर्माण होता है लगभग 2200 साल पहले, महाराजा सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया जी। जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखाते हैं वो यही स्तूप है जी। बोलो, इस पर जो है जितनी ये नक्काशी है जी, जितने भी जो इसमें बने हुए हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बने, शो के लिए नहीं बने। इन मैं जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित
कोई ना कोई कहानी है। अच्छा अच्छा हाँ, ऐसा नहीं बना है, हर एक कहानी जो है भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी सारी इसमें है। जैसे यहाँ क्या है, भगवान बुद्ध की स्टैचू नहीं रखते थे पहले, सम्राट जो सम्राट अशोक है ना, मूर्ति पुजारी नहीं था जी, वो जो है सिंबॉलिक पूजा करते थे। अच्छा, या तो बोधि वृक्ष की पूजा करते थे। हाँ। या भगवान बुद्ध के चरण पादुकाओं की पूजा करते थे जी। है तो इस तरीके से उसमें जितनी भी कहानी है, जैसे ये रथ जा रहा है बड़ा, ये पुरान सारे गाँव वहाँ के लोग जो है वो इलाका है, कोई कहीं का है, इस तरीके से ये पूरे बनाए गए। मतलब जितने भी चित्र यहाँ बने हुए हैं वो एक कथा से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध के। हाँ। भगवान बुद्ध के कहानी से जुड़े हुए हैं, जीवन की जी। इस तरह पे सब अलग अलग चित्र बने हुए हैं, सब में अलग अलग बने हुए हैं, लोगों को बहुत नज़दीक से एक एक करके। और बहुत बड़ा स्तूप है ये, उत्तरी गेट, उत्तरी गेट। इसके अलावा कोई भारत में जी, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था वो था साकेत, वहाँ आज अयोध्या है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है जी। तो भगवान बुद्ध ने जो है जब प्रथम धर्मदेशा जो है सारनाथ में की, तो वहाँ से वापस साढ़ा महीना आ गया था बारिश में, तो भगवान बुद्ध ने पहला वर्षवास साकेत में किया। जहाँ पहला वर्षवास साकेत में किया था वही सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप हुआ था। चलो बहुत अच्छा। एक आपको ऐसा इतिहास बताने जा रहा हूँ, इस स्तूप के अंदर जितनी भी फोटो तथागत बुद्ध की मिलेगी लगभग उनके कहीं ना कहीं एक भी सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, किसी का हाथ डिस्टर्ब है, किसी का सर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो सर क्या बताएंगे इसके इतिहास के बारे में आप? देखो ये जो है 142 ईसा पूर्व जी, जब सम्राट अशोक का पोता बृहद्रथ यहाँ का शासक बना जी, तो सम्राट अशोक एक बृहद्रथ एक बड़ा बहुत बड़ा राजा था जिसका शासन कई देशों में प्रसिद्ध था। सर चलिए क्या बताते हैं। तो एक दिन एक चाइना का एक वो था जी जिसको बोलते हैं पतंजलि, पतंजलि चाइना का ब्राह्मण था जी। उसने दो लोगों को भारत में भेजा। अच्छा अच्छा। एक तो पुष्मित सिंह को और एक कुमारिल भट्ट को जी। तो पुष्मित सिंह को इसलिए भेजा कि उसके शासन में जाओ और वहाँ जा करके तुम जो है नौकरी करो जी, और तुम्हें वहाँ पर कब्जा करना है जी। तो जहाँ सम्राट बृहद्रथ शासन करता था, बृहद्रथ शासन में उनके दरबार में जो है ये पहुँचा जी, कौन पुष्मित सिंह जी। और उसने वहाँ जा करके नौकरी मांगी जी। नौकरी मांगी तो उन्होंने कहा कि कोई बाहर का आदमी है इसको, बोले मैं साहब बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ फलान ढकाना। उसकी इंक्वायरी कराई गई तो उनके जो सफ़ेद सालार थे पुष्मित सिंह के, उन्होंने तो बता दिया, बोले ये तो जो है बाहर का ब्राह्मण है और इस पर विश्वास करने लायक नहीं है, ये चीन का ब्राह्मण है जी। तो लेकिन सम्राट अशोक ने फिर भी उसको अपने उसमें रख लिया और उसको सबसे बड़े पद पर सेना का सेनापति बना दिया जी। और जैसे ही उसने सेना पे कब्जा किया तो एक दिन उसने बृहद्रथ को यहीं सेना जे भी फोटो डिस्टर्ब है सब ठीक है, कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर दी गई है। ये जो है ईस्ट गेट है, वो पूरा पूर्वी। अच्छा पूर्वी गेट है, बाहर से देख सकते हैं। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूर्वी गेट है ना। हाँ, पूर्वी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूर्वी द्वार है, ये पूर्वी द्वार है। तो इसमें भी अलग अलग चित्र बने हुए हैं। सब में अलग अलग, सब में जितने भी गेट मिलेंगे वो सब में अलग अलग चित्र मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि सब में अलग अलग है। सब भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है उनकी वो है। देखिए सर जी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, सब जितने भी गेट बने हुए हैं सब बहुत अच्छे शिल्पकार, मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ऐसे शिल्पकार अब देखने को हम लोगों को नहीं मिल सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, जितने अच्छे शिल्पकार थे कैसे उन्होंने कितनी मेहनत से बनाई होगी, जहाँ पीपल का पेड़ है तो एक एक पत्ता बना दिया है, जा करके जहाँ पर जैसी फोटो बनानी थी वो सब चीज़ें आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कब्जा कर लिया जी। तो एक दिन इसी स्तूप पर जब सम्राट अशोक जो है
वो ब्रदर चलते रहिए अपनी सेना की सलामी ले रहे थे जी, तो पुष्पेंद्र सिंह ने अपना मौका देख करके अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसका कत्ल कर दिया जी। इसी स्तूप पर किया गया। अच्छा अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा, सम्राट अशोक के पोते का, ब्रदर का, वो आखिरी शासक था मौर्यवंश का। सर जी, इसी स्तूप पर किया गया। अच्छा अच्छा, किसका किया गया? फिर पुष्पेंद्र सिंह, वो पुष्पेंद्र सिंह ने किया, बृहद्रथ का, जो सम्राट अशोक का पोता था। अच्छा अच्छा, आखिरी शासक मौर्यवंश का जी। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और बता दीजिएगा। तो इसके बाद में ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है? ऊपर है, इसी के वो है परिक्रमा है। अच्छा, परिक्रमा ऊपर तक जाते हैं? हाँ, ऊपर तक जाते हैं। हम लोग जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम तो होगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो आइए, चाहे तो ये नॉर्थ गेट दे, चलो आप आइएगा सर, आइएगा। अपन चले जाएंगे जी, अपन ईस्ट वाले पर। सिर्फ डॉक्टर साहब, एक समझने वाली बात है कि इतना पत्थर आया कहाँ से होगा? ये पत्थर जो है, एक्चुअली ये जो बाउंड्री बनी है ना, ये आप देख रहे हैं। हाँ। ये बाउंड्री ऐसे ही नहीं बनी कि इसमें ऐसे ही पत्थर लगा है। हर एक पत्थर पर किसी का नाम लिखा हुआ है, जिसने डोनेट किया उसका नाम लिखा हुआ है इसमें। हाँ, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सब में कहीं ना कहीं लिखा है। ये ऐसे ही पत्थर नहीं लगे, ये सब श्रीलंका वालों के सबसे ज्यादा जन्म किया, इसमें सबसे ज्यादा श्रीलंका वालों का काम। अच्छा अच्छा, उन्होंने जिसने डोनेट किया है उसका इसमें कहीं ना कहीं नाम जरूर लिखा होगा, जिसने भी डोनेट किया है। और एक व्यक्ति का बनवाया नहीं है, एक व्यक्ति का बनवाया, ये नहीं, ये कह सकते हैं कि इसके सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया है। अच्छा अच्छा, देखो ये भी फोटो डिस्टर्ब कर दीजिए, ये भी टूट गया, सब फोटो है ना। आप दक्षिणी द्वार में आ गए जी। आइए सर, जो पत्थर आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और मेरे डॉक्टर साहब इस स्तंभ के बारे में पूरा बताने का काम कर रहे हैं, तो सर बता दीजिएगा कि क्या स्तंभ, कितनी ऊंचाई थी इसकी? ये सम्राट अशोक की, जिनको लाट बोलते, उन्होंने कुछ लाटें बनवाई थी, ये लाट है, उस पर लिखा गया था, उनके सब उद्देश्य लिखे गए थे, वचन लिखे गए थे। ये जो है 42 फुट ऊंची थी और सबसे टॉप पर 42 फुट के ऊपर सम्राट अशोक का वो चित्र बना हुआ था, वो चार मुंह वाला सिंह जो है उस पर बना हुआ था। यहाँ से खंडित होकर के टूट गई, जो बगल में साइड में जो रखी हुई है जी, ये यहाँ पर, हाँ जी, रख जी जी जी, है ना। और इसका कुछ हिस्सा जो है नीचे संग्रहालय में रखा हुआ है। अच्छा है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, चार मुंह वाला, वो भी संग्रहालय में रखा हुआ, म्यूजियम। सर जी, मैंने इस पत्थर की एक विशेषता और सुनी है कि ये चिकना बहुत है पत्थर, ये इतना, देखो जो वहाँ पर बताते हैं लोग, चुनार में जो है इतने अच्छे वो बन रहे थे पत्थर के, लेकिन उससे भी चुनार का पत्थर भी, और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 42 फुट ऊंची एक ही लाट थी, एक ही पत्थर था, उसमें कहीं जोड़ा जोड़ नहीं था, एक पत्थर था, एक ही पत्थर था 42 फुट ऊंची, कहीं कोई जोड़ नहीं था जी, कहीं कोई सीमेंट नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था, सिर्फ एक ही पत्थर था। लेकिन इसको भी लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भाई पत्थर टूटने ऐसे नहीं टूटता, टूटने वाला था ही नहीं, थोड़ा गया जी 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 जी।